अभिनेता शरद केलकर इन दिनों फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में निभाए छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार के लिए वाहवाही बटोर रहे हैं। फिल्म को रिलीज हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि उन्हें उनके कमाल के अभिनय का इनाम भी मिल गया है। अभिषेक दुधैया निर्देशित और अजय देवगन अभिनीत फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में शरद की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में वो एक आर्मी अफसर का किरदार अदा करेंगे। पहले ये किरदार राणा दगुबत्ती निभा रहे थे, हालांकि तारीख और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के चलते वो इस फिल्म से अलग हो गए हैं। फिल्म में अपनी एंट्री पर मुहर लगाते हुए शरद ने कहा, मैं अभिषेक को स्ट्रगलिंग दौर से जानता हूँ। भुज में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। राणा को स्वास्थ्य सुधार के लिए कुछ महीनों का समय लगेगा, इसलिए अभिषेक ने मुझे वो किरदार ऑफर किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी डेब्यू फिल्म का हिस्सा बनने में खुशी होगी। अजय सर और संजय सर के साथ भी मेरे काफी अच्छे रिश्ते हैं। फिल्म में शरद एक आर्मी अफसर का किरदार अदा करेंगे। शरद के अनुसार बचपन में वो आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्हें खुशी है कि उन्हें फिल्म के बहाने ही सही लेकिन सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। शरद करीब एक हफ्ते में फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।